बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। विवादों के बीच बागेश्वर वाले बाबा उत्तराखंड पहुंच गए हैं। बाबा ने अपना बयान ट्वीट किया है और कहा है कि वो 2-3 दिन बाद फिर बागेश्वर धाम पहुंचेंगे। बाबा ने बताया कि वो संत सम्मेलन के लिए संतों को आमंत्रण देने पहुंचे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर सनातन का झंडा गाड़ने की हुंकार भरी है और कहा है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2-3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों के कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अखड़ पक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से, किन तेवरों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बयान दे रहे हैं और उनके बयानों को लेकर लगातार सियासत भी गर्मा रही है। एक बार फिर आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने। और फिलहाल कुछ दिनों, कुछ घंटों या कहें कि 2 दिन के लिए अज्ञातवास के बाद अचानक उत्तराखंड के अंदर बाबा प्रकट हुए और बाबा ने जो है ये बयान दिए हैं। श्री सीताराम बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। आज 27 तारीख है और हम यात्रा पर निकले हैं। 2-3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों के कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। और दिव्य भूमि जो हमारी हिमालय की भूमि है, उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अखड़ पक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।